इज्जत करता हूं, मैं उनको तहसीन पेश करता हूं, लेकिन हमें अपनी डायरेक्शन और डायमेंशन तब्दील करने की जरूरत है। होता क्या है कि जो भी इंटरफेथ हार्मनी की कोई महफिल होती है, तस्वीरों में बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, कुछ मौलवी साहबान, कुछ पादरी साहबान, पंडित और सिखों के जो मजहबी रहनुमा है, अच्छी अच्छी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, सामने हम पेश करते हैं, हमारे दरमियान बड़ी हार्मनी है। बाबा, जिस वजह से हार्मनी को नुकसान पहुंच रहा होता है, क्या आप वो कभी चीजें यहां पर डिस्कस कर पाते हैं अपनी इंटरफेथ हार्मनी की महफिलों में? नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे के मजहब की तारीफें करते हैं। हमारे मजहब को तारीफों की क्या जरूरत है, वो तो आफाकी है, उनके तो हमारा इत्तेफाक है कि हमने उनका एहतराम करना है, हमने उनकी इज्जत करनी है, मुकद्दस किताबों का एहतराम करना है, मुकद्दस शख्सियात का एहतराम करना है। बात तो वहां से शुरू होनी चाहिए जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स है, जहां कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है। तो हमारी इंटरफेथ हार्मनी की महफिलों में ये क्यों डिस्कस नहीं होता कि जो तोहीने मजहब के कवानीन का यहां पर गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको हमने कैसे रोकना है? इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम ये कि किसी मजहब की तोहीन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके गलत इस्तेमाल को कैसे रोकना है, वो उस इंटरफेथ हार्मनी की महफिल का सब्जेक्ट होना चाहिए। और मेरे भाइयों बहनों दोस्तों नौजवानों, मसला मजहब से नहीं है, मसला मजहब से नहीं है, मसला पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन से है। और जो पाकिस्तान में हो रहा है कि जब भी आपको अपने सियासी मकासद को हासिल करना है, किसी भी जत्थे को आप निकालते हैं, उसके पीछे कोई और हो रहा होता है, जत्था सामने होता है और किसी और के होते हैं, और वो मकासद बड़े सियासी है। जड़ावाला में जो कुछ हुआ, जड़ावाला में जो कुछ हुआ उसके पीछे भी सियासी मकासद है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतों के लोग, चाहे वो मसीही हैं, वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, वो दूसरे हैं, जिसको पता है कि मैं किसी मजहब की तोहीन करूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान में मजहब के एतबार से लोग बहुत सेंसिटिव हैं, कोई जुरत नहीं करता। यहां पर चीजें बनाई जाती हैं, यहां पर जो है वो इस किस्म के वाकयात को पैदा किया जाता है। पैदा इसलिए किया जाता है कि आपने फिर मुतबादल सियासी कुवतें भी तो पैदा करनी है ना, किसी एक सियासी जमात को गिराने के लिए, दूसरी को उठाने के लिए मजहब का आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ जड़ावाला में नहीं हुआ, जड़ावाला के बाद भी कई एक दर्जनों वाकयात हुए हैं जिसमें उसी तर्ज का हथियार जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम ये सब रोकना चाहते हैं, हमें अच्छी अच्छी इंटरफेथ की महफिलें करनी चाहिए, लेकिन इस इंटरफेथ की राह में जो रुकावटें हैं, जब तक हम उनको दूर नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। तस्वीरें हम अच्छी खींच लेंगे, हम अच्छी तकरीरें जो है वो कर लेंगे, हम मजहबी लोगों को इकट्ठा करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारा इमेज ये है, काफी नहीं। सर आपकी किसी बात को आगे नहीं, आखिरी बात कर रही, मुझे जुमला बोलने दें कि जंगल के अंदर शेर और बकरी में, शेर और हिरन में कभी हार्मनी नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि इंसानों के दरमियान यहां हार्मनी हो वजाहत, तो फिर आपको ये जो तफरीक है वो खत्म करनी पड़ेगी। मुझे जनाया के साथ जो है, जो जिंस की बुनियाद पर, क्योंकि वो ट्रांस वुमेन है, जिंस की बुनियाद पर जो उसके साथ इम्तियाजी सलूक है, फिर वो भी खत्म करना होगा। जो मेरे दाएं हाथ पे बाएं हाथ पे दो खवातीन बैठी हैं, 50% आबादी है खवातीन, उनके साथ हम उनके जिंस की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक करते हैं, हम उनको कमतर समझते हैं, वो कमतरी का एहसास हमें खत्म कर काफी की हैसियत देनी पड़ेगी। और वो पाकिस्तान के सिर्फ 3 से 4% मजहबी अकलियतों के लोग,
उनको बराबर का इंसान समझना पड़ेगा। अगर बराबर का इंसान नहीं समझेंगे, उनको नहीं समझेंगे कि वो बराबर के इंसान है, उनको भी उसी अल्लाह ताला ने पैदा किया है जिसको आपने पैदा किया है, और वो उनके भी एहसासात हैं, जज्बात हैं, उनको भी जब उनके साथ बुरा सलूक होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, जैसे आपको अच्छा नहीं लगता। अगर ये वाली कुछ चीजें हम पैदा कर लेंगे तो बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया।